हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल चले हम। आज की क्लास में हम मैथ्स पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेस वैल्यू का। नंबर आपको दिया गया है 7, 8, 9, 0। इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 9 की। तो जिस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी होती है उसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया जाता है। कभी कभी अंडरलाइन लगा दिया जाता है और कभी कभी आपको क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ओके, तो अब आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसके दो तरीके होते हैं, जो आपको दोनों में से ईजी लगे वो करिएगा। एक तरीका ये होता है कि यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये कौन सी प्लेस पे आ रहा है? टेंस की। ठीक है, तो हम इसको टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका यह होता है कि जिसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, जैसे अभी 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो सबसे आसान तरीका है 9 लिखा, अब उसके आगे कितने नंबर हैं, दैट मींस कितनी डिजिट्स हैं। 1 डिजिट है ना, एक डिजिट नजर आ रही है। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन सा डिजिट है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं ये पूछ रही हूँ कि कितने डिजिट्स हैं। तो एक है, तो 10 हम लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि प्लेस वैल्यू अगर पूछी है तो सिर्फ टेंस लिखने से काम नहीं चलता है, उसमें पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि 9 और आगे कितने नंबर हैं। 1 नंबर है तो हमने एक नंबर है तो एक नंबर का 0 बढ़ा दिया। 2 नंबर होते तो 2 0, 3 नंबर होते तो 3 0, 4 नंबर होते तो 4 0। समझ रहे हैं आप लोग? प्लेस वैल्यू करने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि जो नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा हो उसे लिखा और आगे कितने नंबर्स हैं उतने 0 लगा देने, सबसे ईजी तरीका। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने, इसके हमें आंसर्स देने हैं। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन है 3072। अब इसमें हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, अंडरलाइन किस पे है? 7 पे। समझ गए आप लोग? तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 लिखा और उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, तो 10 लगा दिए, आ गया हमारा आंसर। अब है 1798, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखा? 1। कितने नंबर है? 1, 2, 3। तो कितने 0 लग जाएंगे? 1, 2, 3। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले वो नंबर लिखिए और उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसके आगे उतने 0 लगाने, डिजिट्स नहीं लगाने, उतने 0 लगाने। अब हमें बतानी किसकी, सबको नजर आ रहा है डैश, तो 1 की। 1, अब 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2। तो 2 हमने 0 बढ़ा दिए। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी तरीका है। अब आ गया, अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? आपके पास 2 5 दे रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत इजी है। पहले वाले 5 की निकालिए, जो पहला वाला 5 है वो लिख लिया हमने, और उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। तो कितने 0 लगा देंगे हम? 1, 2, 3। क्लियर है इतना? अब हम दूसरे वाले 5 पे आएंगे, दूसरा वाला 5 हम नीचे लिख देंगे, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 भी डिजिट नहीं है। ठीक है, नज़र आ रहा है ना, 5 के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो 5 के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे और यही आंसर आ गया। ओके, तो एक क्वेश्चन में जब 2 प्लेस वैल्यू पूछी हो तो इस तरह आप करेंगे, पहले जो है वो पहले वाले की करेंगे और दूसरी बार में दूसरे वाले की। ठीक है, यस, तो अब बारी आती है फेस वैल्यू की। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? प्लेस वैल्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे? फेस वैल्यू। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीका बता देती हूँ। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा, चेहरा होता है ना, तो बस इसमें भी फेस मतलब कि चेहरे, खाली डिजिट्स का हमें फेस ही देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि जब हमें फेस देखना होगा डिजिट का तो हम क्या आंसर लिखेंगे। ओके,
हमारा क्वेश्चन है, सिक्स टू फाइव नाइन, इसमें हमें फेस वैल्यू निकालनी है टू की। तो टू की फेस वैल्यू आएगी, कौन से नंबर की फेस वैल्यू निकालनी है, टू की। और टू का फेस कैसा है, टू का फेस तो टू की तरह ही होगा, तो आंसर क्या जाएगा, ओनली टू। यस, दिस इज द आंसर। आप सोच रहे होंगे ये तो सम सॉल्व ही नहीं हुआ, तो ये सॉल्व इसी तरह होगा। फेस वैल्यू मतलब होता है उसी का फेस लिखना है हमको, फेस मतलब उसका चेहरा, चेहरा मतलब वही नंबर हमें लिखना है। तो इतना आसान है फेस वैल्यू। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या है फेस वैल्यू, है ना, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, बहुत से बच्चे तो जानते होंगे, ठीक है, तो जो नहीं जानते वो भी आज जान गए होंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1296, ठीक है। अब इसमें जल्दी से मुझे आप बताइए वन की फेस वैल्यू। तो वन का फेस क्या है, खुद ही वन है, तो फेस वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चाहे कहीं पे भी नंबर लिखाओ। अब ये देखिए, ये कौन सी प्लेस पे लिखा है, 100 की प्लेस पे। ये कौन सी प्लेस पे लिखा है, 1000 की प्लेस पे। उससे मतलब नहीं होता है। अगर आपको फेस वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स जो नंबर है उसी का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, तो ये तरीका आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब आती है एग्जाम्पल्स की बारी। एग्जाम्पल में हमें दे रखा है फेस वैल्यू निकालनी है हमें डैश वाले नंबर्स की, ठीक है। तो अब इसमें किस में डैश है, 8 पर। 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, सॉरी फेस वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अभी हम फेस वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू क्या आएगी 8 की, 8। यस, सेम टू सेम। 6 की क्या आएगी, जल्दी से बताइए मेरे साथ, यस 6, गुड। 9 की क्या आएगी, 9। फेस वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, फेस वैल्यू दैट मीन्स फेस, तो डिजिट का फेस जो है वही लिखिए आप। 6 का क्या है, 6। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन योर कॉपी एंड डू मोर एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर टू यू, एंड फॉर मोर वीडियोज on different topics, kindly subscribe, like and comment on this channel. Thank you so much. Milte hain next video mein.